ब्रेक करेंगे। अगर मैं इसको ब्रेक करने में मान लीजिए किसी भी तरह की इक्वेशन मिली है, इन केस अगर मैं फैक्टर नहीं कर पाता हूँ तो मेरी पहली चॉइस होनी चाहिए मैं फैक्टराइज करने के लिए उसे श्री ग्रहाचार्य पे लगाऊ। मान लो नहीं कर पाता हूँ बैठे भाई, अगर श्री ग्रहाचार्य से आप वैल्यू निकालेंगे तो श्री ग्रहाचार्य से वैल्यू निकलेगी वन प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर वन बैठा भाई माइनस फोर एसी से देखेंगे तो ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू माइनस वन तो इट विल बिकम प्लस का फोर सही है क्या? और फोर डिवाइड बाय नीचे कितना टू सही है क्या? अच्छा अब इससे हमारे पास में एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है दो हाँ वन माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव। अच्छा हो तुमने टाइमली बता दिया, ये तो लगाया ही नहीं ना। है ना भाई, तो फिलहाल इससे दो वैल्यूज आई। इसके तुरंत बाद ये करना था कि मेरे को यहां पे दो ब्रैकेट दिखाने थे, एक्स की एक वैल्यू माइनस एक्स की दूसरी वैल्यू माइनस एक ब्रैकेट ओपन दूसरा ब्रैकेट ओपन लेस देन जीरो की जगह लेस देन जीरो राइट है भाई। एक्स की अपने पास दो वैल्यूज पड़ी है, एक पड़ी है वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू और दूसरी पड़ी है वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू। तो ये हो गया वन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई टू और दूसरी वैल्यू हो जाएगी वन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई टू राइट है भाई। हाँ भाई पढ़ाने के बीच में कोई व्यवधान नहीं। हाँ साहब, तो अगर देखा था अपने पास दो वैल्यूज आ गई एक्स की, अगर दो वैल्यूज आई है नंबर लाइन ले लू, नंबर लाइन पर दोनों वैल्यूज रख लू। आप में से अगर किसी को ध्यान हो अंडर रूट फाइव की वैल्यू सोचो मन में, अंडर रूट फोर की बोलो टू, तो अंडर रूट फाइव उससे बड़ा होगा टू पॉइंट समथिंग मान लो। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं ये लिखा हुआ है वन प्लस माइनस ये रूट फाइव की वैल्यूज है दैट इज ऑलमोस्ट 2.1 ले लो। हाँ या ना, थोड़ी ज्यादा बड़ी भी ले सकता हूँ वैसे। आप में से किसी को अगर 21 का स्क्वायर आता हो तो 21 का स्क्वायर कितने को याद है 441, तो मतलब थोड़ी और बड़ी भी कर सकता हूँ 22 ले लेता हूँ राइट है, थोड़ा मेरे लिए आसान भी हो जाएगा 484 माने 4.84 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। अब जरा जल्दी सोच के देखो, मैं एक तरफ वैल्यू सोच रहा हूं कौन सी वाली, एक तरफ मेरी वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2.2 डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2.2 डिवाइड बाई 2 राइट है क्या भाई? तो ये कितना हो रहा है 1.6 और ये कितना हो रहा है सोचो जरा जल्दी से। अरे घटाओ 1 माइनस 2.2 0.6 श्योर है 0.6 नहीं, आप में से कई लोग नहीं कर पाए, एक में से दो माइनस का 1.2 और डिवाइड बाई 2 की वजह से बराबर राइट है भाई। तो अपन दो वैल्यूज को यहां पुट कर रहे हैं, कौन सी वाली वैल्यू पहले पुट करूं 0.6 या 1.6? माइनस वन माइनस 0.6, माइनस का 0.6 यहां पुट कर दूं 1.6 यहां पुट कर दूं। अगर मैं माइनस का 0.6 रखता हूं तो इट इज माइनस का, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको लिख रहा हूं वन ठीक है ना, माइनस में कितना 1 माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई 2 राइट है भाई, और इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई 2। बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, लगे आप तो बंद ही कर दो ठीक है भाई। तो अगर देखा जाए 1 प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई 2 सही है क्या? yes, नहीं आया। और ये तो करके आना था आपको सही है क्या? माइनस yes, का सही है ना yes, हाँ। आप जरा जल्दी से बताओ इसके बाद क्या करते थे, पहले नंबर लाइन पे बिछा लेते थे yes, फिर क्या आता था न्यूमरेटर? अरे अरे ध्यान करो नियम क्या थे, नियम yes, सबसे पहले कौन इवन पावर याद आया yes, क्या कोई इवन पावर का ब्रैकेट है yes, नहीं है। तो कहने मतलब क्या कोई डिनोमिनेटर में है yes, नहीं है डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना कोई yes, दोनों रूल में कोई नहीं है इसलिए कोई लफड़ा डायरेक्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस। क्यों क्यों प्लस से माइनस क्यों? क्योंकि ये जिसने दिया वो ये रहा, इसकी डिग्री ऑड, ऑड प्लस को माइनस करेगा, ऑड प्लस को माइनस करेगा, ये जिसने दिया वो ये रहा, इसकी डिग्री वन ऑड, ऑड माइनस को प्लस करेगा, याद आया ना आपको? और अगर ये वाली बात सही है तो प्लस माइनस प्लस बिखर गया। अब हर नंबर के हिसाब से सोचो क्वेश्चन किसका है, लेस देन जीरो, क्या सिखाया था लेस देन जीरो, तो किसे चुनो माइनस को चुनो याद है ना। तो माइनस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, तो आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक में, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ओपन या क्लोज
ओपन कब लेते हैं? इक्वल होता है तो क्या लेते हैं? क्लोज. इक्वल हो तो क्लोज, इक्वल ना हो तो ओपन. धीरे धीरे आपका, अभी आप भूल गए, आपकी शक्लें बता रही हैं कि आप भूल चुके हो. जो जिसको याद है वो तो बचा के देख रहा है, लेकिन जो भूल गया वो भूल रहा है. और मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए. ये सोचो, ये डोमेन से पहले तो आपको बिल्कुल एकदम कंटस्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो ये सब लफड़ा हो जाएगा. आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कब ओपन कब क्लोज, किस समय प्लस किस समय माइनस, कहां किसको बिछाऊं. आप रूल याद है किसको? एक मिनट. पहला रूल कौन बताएगा? सबसे पहला रूल फैक्टराइज. सबसे पहले क्या करो? फैक्टराइज. फिर उसके बाद में किसको चुनो? ऑड वाले ब्रैकेट को. किसको चुनो? ऑड वाले ब्रैकेट से वैल्यू निकालो, उसे कहां रखो? नंबर लाइन पे रखो. राइट है ना भाई? नंबर लाइन पे रखने के बाद दूसरा फोन कॉल. फोन कॉल में कितनी जगह चेकिंग? दो जगह, या तो इवन डिग्री या डिनोमिनेटर में कुछ हो. सही है, दो जगह चेकिंग. और उसके बाद में लास्ट में क्या? प्लस माइनस. प्लस से माइनस कौन करेगा? बोल नहीं रहे यार आप. ऑड. प्लस से माइनस ऑड डिग्री वाला ब्रैकेट करेगा. और अगर डिग्री इवन है तो सेम रहेगा साइन. राइट है ना भाई? हाँ. धीरे 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 ग्रिप हो जाएगा. पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही है, ये जिसने जीत लिया इन इक्वलिटी को गलती से मत छोड़ना आप. हाँ बेटा, कहां पे बेटा? अंडर रूट में माइनस. मैं समझ नहीं पा रहा, अंडर रूट में कहां? यहां पे माइनस का होता था. अरे बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन बनाते हूं. अब भी क्या, अब भी ले लो आप तो. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो होता तो. राइट है भाई? तो मैं इसको ब्रेक नहीं कर पाता. ब्रेक नहीं हुआ, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो तुरंत क्या लगाऊंगा? श्रीधराचार्य. राइट है ना भाई? अगर मैंने श्रीधराचार्य लगा दिया तो श्रीधराचार्य लगाते एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट. बी बोलो, बी की वैल्यू वन. अरे साथ रहो. माइनस में फोर इंटू ए इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन. इंटू वन लिख दो. बताओ एक में से कितना घटाना है? एक में से चार गया माइनस तीन. तो दुनिया को दिखेगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में कितना? माइनस थ्री डिवाइड बाई टू. और अंडर रूट में माइनस थ्री नॉट वैलिड. कहानी पकड़ में आ गई? हाँ. अब इस जगह ध्यान से सोचना चाहिए करना क्या है. ठीक है भाई, ध्यान से समझना, ये वैलिड नहीं है. राइट है? तो मैं इसको फैक्टर भी नहीं कर सकता. अब फैक्टर नहीं कर सकता तो तलफड़ा आ गया. कहानी पकड़ में आई? क्योंकि मैं इसके फैक्टर नहीं कर सकता. श्रीधराचार्य जी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब संभव नहीं है, डी नेगेटिव आ रहा है. और फिर आपको उल्टा सोचना चाहिए, अगर देखा जाए तो इस पूरी कहानी का डी नेगेटिव है. सही है क्या? अगर डी नेगेटिव है तो सोचो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या सिखाया था मैंने, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में पॉजिटिव होगी अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव. दूसरी बात सुनना चाहता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगी अगर उसका ए नेगेटिव और डी नेगेटिव. क्या ख्याल है, याद आया कि नहीं आया? याद आया ना? मैंने कहा था दोनों ही केसेस में डी कैसा होना चाहिए था? नेगेटिव. और ए का साइन माने लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन और क्वाड्रेटिक का साइन सेम होगा. याद आया? अपनी इस पे बात हो चुकी है ना? अब आपको क्या, अब आपको आदत नहीं रही है कि घर पे जाकर रोज कॉपी चेक करो तो हम भूल जाते हो कि अरे अच्छा ये पढ़ना था. दोबारा बोलता हूं, डी अगर नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव होगा. ठीक है, फिलहाल डी नेगेटिव है. डी नेगेटिव आ गया और हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी चाहिए? नेगेटिव चाहिए. नेगेटिव दिख रहा है? अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होने के लिए डी नेगेटिव के साथ क्या चाहिए? अब इस कहानी का ए बोलो. ए कितना है? वन, जो कि नेगेटिव नहीं है. कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? इसका मतलब इसका ए नेगेटिव नहीं है, जबकि ए तो नेगेटिव चाहिए. इसका मतलब ये कि यहां कुछ गड़बड़ है. इसका कारण हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन. बिल्कुल फाई आंसर हो गया.
नो सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि इसका ए नेगेटिव नहीं है. अब मान लो अगर कल को क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता, क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, फिर क्या होता? इसका ए बोलो, ए कितना? वन. राइट है ना भाई? अच्छा डी बोलो, डी नेगेटिव. अभी भी निकला डी माइनस तीन, डी नेगेटिव है और ए कैसा है? पॉजिटिव. अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होता है तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? पॉजिटिव. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी चाहिए? पॉजिटिव. दोनों बातें मिल गई. होती ही है. कब होती है? होती ही है. फिर पूछो बच्चा कब होती है? होती ही है. इसका मतलब हमेशा होती है. और जो चीज हमेशा होती है उसके लिए आंसर होता है एक्स बिलोंग्स टू आर. एक्स बिलोंग्स टू आर हमेशा. नई चीज पकड़ में आ रही है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहानी किधर जा रही है सर? धीरे 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 धीरे, बैठने दो बैठने दो. एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? है ना, अगर सेम क्वेश्चन में ग्रेटर देन जीरो होता तो आप वही कह रहे हो कि इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. हाँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा. और हमेशा को सर आपने बोला एक्स बिलोंग्स टू आर. आई बात समझ में? हमेशा को आप क्या बोल रहे हो? एक्स बिलोंग्स टू आर. और यहां बोल रहे हो कि यहां पे इसका ए पॉजिटिव है जबकि आपको ए कैसा चाहिए? ए नेगेटिव चाहिए. और क्योंकि ये नहीं हुआ इसलिए आप परमानेंट माना कर रहे हो नो सॉल्यूशन. अच्छा इसका मतलब ये कि मनचाही चीज हो जाए तो एक्स बिलोंग्स टू आर, और मनचाही चीज ना हो तो फाइव. डायरेक्ट तीन केस संभव. सारी चीजों को मर्ज करते हैं. तीन केस संभव पे आ गया. रेडी? बहुत ध्यान से सुनना, तीन केस बता रहा हूं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ब्रेक करो, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो दो बातें होंगी. डी नेगेटिव हो गया, नहीं हो तो डी नेगेटिव हो गया, तो चेक कर लो कि क्या कहानी का ए नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी चाहिए वो मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू आर, और अगर नहीं मिल रहा तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव. कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आ रही? कहानी पकड़ में आ रही है? मैं दोबारा सुनूंगा, वापस बोलना. क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद वापस. अब मैं कल जब मैं इसके बाद अगली क्लास लूंगा तो क्या होगा? लॉन्ग के लिए फाइट मारनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि आप किस चीज को मिस करते हो पढ़ के आने को. इसको मैंने कहा तो फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है ना, भूत बना देगा भूत. आप देखो सही, चुपचाप बैठकर वेट एंड वॉच. हाँ भाई वापस बोलो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, क्या क्या करोगे? ब्रेक करोगे, नहीं होगा तो श्रीधराचार्य, नहीं होगा तो श्रीधराचार्य. श्रीधराचार्य में डी नेगेटिव निकल गया तो कितनी बातें होंगी? दो बातें होंगी. दो बातें होंगी, ए या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा तो फाइव, और अगर मिल गया तो आर. कहानी पकड़ में आ गई? बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे. ये चीजें तो याद रखने की है, याद बिल्कुल याद होनी चाहिए बेटा. गलती से भी कॉपी ना करो. कॉपी करना पता है क्या करवाता है? कॉपी करना आपके दिमाग को सोचने पे बंद करना कहलाता है. ठीक है ना, मैंने कॉपी करने दिया इसका मतलब आपके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया. ठीक है, अपन इसकी जगह एक और बात करते हैं. आओ सोचते हैं, तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पांच ग्रेटर जीरो. राइट है? फैक्टराइज होगा या नहीं होगा डी पे डिपेंड करता है. आप मुझे डी बताओ इसका. बोलो अंडर रूट में क्या लिखूं? चार का स्क्वायर, ऐसे बोलो धीरे धीरे, माइनस चार इंटू तीन इंटू पांच. चार का स्क्वायर 16, इधर 60, दिख रहा है ना भाई? 60, 16 में से 60 गया, बोलो माइनस 44. डी कैसा आ गया? नेगेटिव. डी नेगेटिव आते ही कितनी बातें बताई थी? दो. या तो ए मनचाहा मिलेगा. अब सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी चाहिए? मन में सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव के लिए ए कैसा चाहिए? ए ग्रेटर देन जीरो चाहिए. मन में है कि ए ग्रेटर देन जीरो चाहिए. अब ए बोलो कितना है? तीन. पॉजिटिव या नेगेटिव? मनचाहा क्या था? पॉजिटिव. क्या मनचाहा मिला? ए पॉजिटिव चाहिए था, ए पॉजिटिव मिला. तो आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर. नहीं आया पकड़ में? आ गया? नहीं आया? अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे ना होकर के ऐसे होता, तीन एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस पांच, और अब की बार लेस देन जीरो होता,
सही है, पहले ही मन में सोच लो मुझे, अच्छा डी बताओ पहले तो, डी का वैल्यू बोलो, माइनस फोर का बोलो तो सही, माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा मैंने, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू तीन इंटू फाइव, हाँ है ना, बोलो मान बोलो, 16 माइनस साठ कितना हो गया, माइनस 44, बोले तो नेगेटिव, डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आते ही नहीं 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 नहीं, मैं अभी आऊंगा, मैं तुम्हारी बात पे भी आता हूं, फिर आता हूं, है ना, हमें हर बात का सॉल्यूशन जो आपके मन में, जैसा मन में आप क्वेश्चन पूछो, मैं हर चीज के एग्जांपल लगाऊंगा आपके सामने, आपके जैसा मन में आए, अगर मेरे पास संभव होगा जितनी मेरी दिमाग की लाइब्रेरी सब क्वेश्चन लगाता जाऊंगा। आप तो बताओ डी नेगेटिव है, हाँ या ना, डी नेगेटिव माने फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं, कितनी बातें, दो बातें, फैक्टराइज नहीं होगा माने नंबर लाइन वगैरह सब उड़ गया, दो बातें, जो होगा सामने होगा। अब मन में सोचो एक ऐसा चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दी है, नेगेटिव, तो एक ऐसा चाहिए नेगेटिव, ए नेगेटिव चाहिए, और ए की वैल्यू बोलो कितनी आई, तीन, नेगेटिव है क्या, नेगेटिव नहीं, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू वाई। अब आया मुद्दे की बात पकड़ में आ गई, नहीं आई, लिख लें, चलो पहले लिख लेते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो आप। अब अपन मुद्दे पे आ गए, ये सब तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट लिख लो, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है लिखिएगा भाई, इन क्वेश्चंस ऑफ, मजा आएगा, आपके मन की जो समझ में आ जाए ना, जैसा जैसा मन में आ जाए आप पूछना, ठीक है, जो आपके दिमाग में आ जाए, इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ फैक्टराइजेशन, इफ फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, देन चेक डी, इफ फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल देन चेक डी, राइट है भाई, अगर भाई दो फैक्टराइजेशन संभव ना हो तुरंत डी चेक करो, ठीक है, अच्छा इफ सेकेंड नंबर पे लिखेगा, इफ डी इज नेगेटिव, सेकेंड पॉइंट पहले लिखना, भले कोई इक्का दुक्का इधर उधर मिस भी हो जाएगा तो बाद में कॉपी कर देना, इफ डी इज नेगेटिव टू केसेस आर पॉसिबल, लिख लिया, टू केसेस आर पॉसिबल, ठीक है, सी वेदर, ठीक है भाई, सी वेदर ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, ठीक है, विच इज, विच वन इज रिक्वायर्ड, विच वन इज रिक्वायर्ड, विच वन इज रिक्वायर्ड, इफ डिमांड इज फुलफिल्ड, इफ डिमांड इज फुलफिल्ड, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, याद है ना, अगर बैठ जाए तो एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ नॉट देन एक्स बिलोंग्स टू फाइव, देन एक्स बिलोंग्स टू फाइव, लिख लिया, दोबारा मेरी पूरी बात बता देता हूं, अगर डी लेस देन जीरो है दो केसेस संभव होंगे, ठीक है, चेक कीजिए ए ग्रेटर देन जीरो या ए लेस देन जीरो, विच वन इज रिक्वायर्ड, क्या चीज की जरूरत है, अगर क्वेश्चन के अंदर डिमांड इज फुलफिल्ड तो एक्स बिलोंग्स टू आर, अदरवाइज से फाइव डायरेक्ट, राइट है, हाँ अब आते हैं मुद्दे पे, रेडी,
ये सारी बातें x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू फाइव कब बोलनी है, जब d कैसा हो, नेगेटिव, और अगर d नेगेटिव ना हो तो फैक्टराइज हो ही जाएगा। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट है इसी के अंदर, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो देन बाय श्री धराचार्य माने एस एच डी एच, ठीक है, देन बाय सी धराचार्य फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, फैक्टराइज बाय फैक्टराइज एंड यूज रूल्स ऑफ देन यूज रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, खत्म, देन यूज रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो फैक्टराइज करो, रूल्स लगाओ भाई, खत्म है खेल। हाँ देखो मैं दोबारा दिखाता हूं, अगर बाय द वे इसकी बात करता हूं, डी नेगेटिव आया, मैं तुरंत क्वेश्चन पे गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझसे कैसी डिमांड करी गई है, ग्रेटर देन जीरो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो डिमांड करी है तो मुझे ए ग्रेटर देन जीरो चाहिए। अब इसका ए ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है, ए की वैल्यू कितनी आई, तीन, जो कि ग्रेटर देन जीरो था, माने जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि अगर ए ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा, और हमेशा का मतलब होता है एक्स की हर वैल्यू के लिए, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव। अब राइट है, अच्छा देखिए मैं अब आपको इसका मतलब भी समझाता हूं। मान लीजिए इसको कहने का दूसरा तरीका, किसी ने कहा कि अगर हम आपको बता दें कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, अगला कहता है फाइंड सॉल्यूशन बताओ, सम सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यूज बताओ जिनके लिए बात सत्य है, राइट है। हमने तुरंत इसका a चेक किया, 3 आया, पॉजिटिव था, इसका d चेक किया, अंडर रूट में माइनस 3 आया जो कि नेगेटिव था, और हम में से हर जना जानता है कि अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो गया तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, माने जीरो से बड़ी होगी, और जो जीरो से बड़ा है वो जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, तो कहने का मतलब नो सॉल्यूशन। एज दिस इज ग्रेटर देन जीरो, हैंस 3x स्क्वायर, हैंस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया, नो सॉल्यूशन। अब आई का नहीं पकड़ में या नहीं आई अभी भी, अगर किसी की भी a ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो है तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, और अगर पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव तो इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकती। नहीं आया, अब तो आ गया, अब आते हैं नेक्स्ट, रेडी। अच्छा चलो एक और बात देता हूं, अगर कल को क्वेश्चन में लेस देन जीरो होता तो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन जीरो है, तो लेस देन जीरो कैसे हो सकती है, तो नो सॉल्यूशन। इवन ग्रेटर देन जीरो है तो इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकती। अभी भी नहीं आया, अब तो आ गया, उम्मीद है ना। हाँ अब तो आगे चले अपन, सही है, हालांकि मैंने नहीं उम्मीद करी थी कि मैं अपना एक क्वेश्चन को इतना प्रोलॉन्ग कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद मैं थोड़ा तो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, बात को समझाने में, है ना, लगता है कि क्या आज कौन नया है, एक ही तो बच्चा है, दो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, आप डोंट वरी, मैं 1% भी संशय में नहीं हूं, मुझे ये काम करते हुए कोई पहला दिन नहीं गुजरा, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में इस बंदे को पहला दिन तो नहीं गुजरा हुआ, ठीक है। हाँ साहब चलते हैं, आप में से किसी को अगर याद हो तो क्यूबिक इक्वेशन पिछली बार मैंने फैक्टराइज करी थी, याद है आपको, और मैंने आपको ये बताया था कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तुम नहीं थे, हाँ तो तुम नहीं दे समय क्या कर सकता है, पिछली बार कहाँ फंस गए थे तुम, अच्छा ठीक है, तो बढ़िया है, तो क्या फर्क पड़ता है, सीखा तो होगा ही कुछ ना कुछ। हाँ साहब अगले पॉइंट पे आता हूं, फिर से वापस मेरे को वापस उसी पॉइंट पे मिलना है आपसे, मुझे क्योंकि आपसे सीखना है जल्दी से एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर की होल पर फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैंने कहा था रफ कॉपी रखना, क्या आपके पास में है, मुझे 30 सेकंड में सॉल्यूशन दो, और ब्लू वाले तुम नहीं दोगे, तुमने पिछली बार भी बहुत जल्दबाजी कर दी थी, हाँ ठीक है, आंसर आता है हाथ खड़ा कर देना, देखो मैं कह रहा था जब तक तुम लोग सोचोगे उसका आंसर आना चालू हो जाएगा, रुकवा दिया इसलिए मैंने,
और ऐसा ही बच्चा चाहिए अपने को हर, लगभग सारे बच्चे ऐसे चाहिए। जब ये लेवल पे खेलोगे तब हम बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे जो 13 का बच्चा समझता है। हो गया, वेरी गुड। तीन आगे भाई, जल्दी। क्या सिखाया था? ऑड पावर ब्रैकेट से नंबर लाइन पे नंबर लो। ले लिया? इवन पावर के ब्रैकेट से डर के रहो। चेक किया इवन पावर पे लफड़ा क्या है? हाँ भाई, मिलाऊं? पहली बात, ऑड पावर के कितने ब्रैकेट, उससे नंबर लाइन पे कौन आया? चार। फिर अचानक से इवन पे चेकिंग पे चला जाऊं, इवन से एक ही ब्रैकेट है, उससे एक्स की वैल्यू कितनी? टू। एक्स इक्वल टू पे चेकिंग करो, एक्स इक्वल टू डालो फंक्शन में, दो रखते ही दो माइनस दो जीरो, जीरो से गुणा होते ही पूरी पार्टी जीरो, लेकिन जीरो इक्वल टू जीरो, याद है कि नहीं? इधर तो इक्वल टू जीरो दिख ही रहा है, मैंने तो ऐसा कैसा कॉपी किया। और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ट्रू और फॉल्स? और अगर ये तो ट्रू निकला माने बाइज्जत बरी, याद आ गया? आपने चेकिंग करने के लिए बुलाया और अगला बाइज्जत बरी हो गया, इसका मतलब 100%। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको हाँ इंक्लूड करना होगा। तो टू भैया आ जाओ और पुरस्कार ले जाओ, याद आया? डार्क बॉल, श्योर हो गया? अब मेरे को टाइम आया प्लस माइनस करने का, इधर प्लस लिखो, राइट है? चार, चार के पावर ऑड है तो प्लस का माइनस, फिर बात किस पे आ गई? दो पे, दो की डिग्री इवन है तो माइनस का माइनस। बताओ लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो माने पॉजिटिव या नेगेटिव? ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, श्योर? पॉजिटिव सिर्फ चार के आगे, तो आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू चार टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे ओपन, चार पर इक्वल है तो क्लोज, याद आया? आंसर वैसे आ चुका था लेकिन हमारा एक वादा था, दो तू कहीं भी होगा लेके जाएंगे, तो यूनियन टू। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई, श्योर? एक और दे दू? अब तो आप करें कि दोनों का सही गए? विकेश तेरा गया सही आंसर, तुम दोनों का सही गया? और किसका आगे किसी का? तुम दोनों का सही गया? और चाहिए मेरे को तो, और बंदे चाहिए अपनी आर्मी में, सही जाना चाहिए आंसर जेके। हाँ बिल्कुल बराबर, क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ रेडी, कर लिया कॉपी? चलो ना आगे, क्योंकि इसमें न्यूनतम समय लगता है, पता है मेरे को तो दोबारा जोड़ने में टाइम लग रहा है, पता है मैं उसके आगे थोड़ी जा रहा हूं लेक्चर के, उसी लेक्चर में तो अभी खड़ा हूं, ठीक है? सोचते हैं अगर कल को ये x माइनस टू का होल स्क्वायर x माइनस फोर की होल पावर फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता तो कहानी में ऑड पावर का कोई ब्रैकेट ही नहीं होता, तो आप शुरू कैसे करते? कोई नहीं, नंबर लाइन खाली छोड़ देते सीधे। आपको याद है दो ही जगह चेक करते हैं हम लोग, इवन या डिनोमिनेटर? इवन से कितने नंबर आ रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू टू पे चेकिंग होगी और आगे जाकर एक्स इज इक्वल टू फोर पे, हाँ या ना? एक्स इज इक्वल टू टू रखने पे क्या आएगा? और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो तो ऐसा ही है। एक्स इज इक्वल टू चार रखो, चार माइनस चार जीरो, जीरो से गुणा करके जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिख रहा है? नहीं आया? बोल रहे हो? तो कहने मतलब ये दोनों बातें सही निकली, चेकिंग के लिए बुलाए भी, सच्चे भी निकल गए, बाइज्जत भरी, दो और चार को स्पेशल इनाम, भाई ले ले ब्लैक बॉल, डार्क बॉल ले ले, आया ना? बाकी जगह प्लस? अब बोलो इधर क्या? वेरी गुड, क्यों क्यों प्लस क्यों? इवन डिग्री, कोई चेंज करने वाला है ही नहीं। और चाहिए क्या क्वेश्चन में? ग्रेटर देन जीरो माने पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव तो हर जगह है, राइट है? तो एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखू? एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे आ गए उसमें, दो और चार तो फ्री में आ गए। अच्छा चलो, कल को सर ऐसा होता, कल को सर यही क्वेश्चन ऐसा होता, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर का होल पावर फोर लेस देन इक्वल टू जीरो होता तो चेकिंग तो करता, नंबर लाइन खाली जाती, दो और चार को स्पेशल पुरस्कार भी मिलता, प्लस 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 होता, सुनना। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए? लेस देन जीरो माने नेगेटिव, कहीं कोई नेगेटिव है?
तो मना कर दूं, लेकिन क्योंकि दो और चार को तो बुलाया ही था इसलिए एक्स बिलोंग्स टू दो और नहीं आया। इनको तो बोल रखा था कि हर हालत में लेके जाऊंगा, सबको मना कर दिया, चाहिए नेगेटिव था, नहीं आया बेटा, आ गया। लेकिन क्योंकि दो और चार को तो हमने वादा किया था, तो सर पिछली बार क्या हुआ? अरे पिछली बार फ्री में आ रहे थे, वादा तो वैसे ही निभरा था, तो इसलिए जानबूझ के अलग से नहीं लिया। लेकिन क्योंकि अब की बार लॉक हो रही थी चीजें, इसलिए बात को बोला, इसलिए ले लिया। रेडी? नहीं आया। कहानी अभी थोड़ा थोड़ा धीरे 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 उतार रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई? हाँ, मैं खुद के क्वेश्चन बना बना करके चीजों को रखता जा रहा हूं। रेडी? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, सही है भाई? हाँ साहब। अब सोचते हैं, देखते हैं कौन बताता है। x माइनस टू का होल स्क्वायर x माइनस फोर की होल पावर फोर ग्रेटर देन जीरो होता, वही नंबर लाइन होती। राइट है? चेकिंग के लिए बोलो, x इज इक्वल टू दो पर बुलाते, x इज इक्वल टू चार पर बुलाते, बोलो जल्दी। दो रखने पे क्या होता? जीरो। यहां क्या लिखो? ग्रेटर देन जीरो। जीरो ग्रेटर देन जीरो, सही या गलत? अनडिफाइंड। और यहां चार रखने पर भी जीरो ग्रेटर देन जीरो अनडिफाइंड है, क्या नहीं भाई? अनडिफाइंड को रोकूं या आने दो? रोकने के लिए व्हाइट बॉल। अरे भूल जाते यार, तो वापस से प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस प्लस प्लस, यही होता है ना? एक मिनट, अगर देखा जाए प्लस 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 होता। हाँ भाई, अच्छा जीरो ग्रेटर देन जीरो अनडिफाइंड होता। कहानी पकड़ में आ गई? तो क्या करूं? मेरा आंसर बोलो आप। तो एक्स बिलोंग्स टू सबको ले जाऊं, आर माइनस टू कमा फोर। कहानी पकड़ में आई? दो और चार को मना कर दिया था इसलिए स्पेशली उन्हें निकलवा दिया। नहीं आ रहा? मान लीजिए आपको ये चीज नहीं आ रही, आप मेरे से मिलिए, ठीक है? क्लास के बाद मिलिए, ठीक है? आपके लिए संडे के दिन की मैं अलग से जगह दे दूंगा, अपन मिल करके थोड़ा और वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है? वो मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो नए हैं, जिनको मैंने रूल्स नहीं लिखाए। और मैं वापस याद दिलाता हूं, अगर आपको पहले से आता है तो डोंट ट्राई टू इंटरमिंगल द रूल्स, आपके जो है उन पे वैसे वैसे अडिग रहना, जो सीखा है आप उस पे रहना। और अगर आपको नहीं आता फिर आप मेरे सीखो। राइट है? मैं हर बार नियम से चलता हूं, ऑड पावर का ब्रैकेट ढूंढता हूं, नहीं मिलता कोई बात नहीं, चेकिंग करता हूं, चेकिंग में अगर बात सच्ची निकलती है तो डार्क बॉल लगाता हूं, और अगर गलत निकलती है तो व्हाइट बॉल लगाता हूं। प्लस माइनस के टाइम पे रूल्स का ख्याल रखता हूं, और लास्ट में आंसर देते समय कभी भूलता नहीं कि किसी को हां भर के गया था। नहीं आया? बिल्कुल एकदम, मैं कुछ ही कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधा सीधा परतों पे चल रहा हूं। राइट है भाई? हां साहब, अब आता हूं आगे के पॉइंट पे। बहुत देर से है ना अपन एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है भाई? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है भाई? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, 30 सेकंड का समय है, देखें आप कर पाते हैं कि नहीं। x माइनस वन का होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। फटाफट कॉपी आप हमेशा खुली रखा करें, ये नहीं कि पूरे टाइम में अदर टाइम कॉपी खोलने में चला गया, जल्दी करो। हो गया? नहीं, पंखे की बात कर रहा था मैं। हाँ भाई, हुआ क्या? कितने लोगों ने बना लिया? मिलाओ नंबर लाइन पे ऑड पावर से कितने ब्रैकेट आए? गलती नंबर एक, मैंने हमेशा इस चीज को नोटिस करवाना सिखाया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। सारे एक्स पॉजिटिव रख के खेलो, दिख रहा आपको? एक्स यहां पे पॉजिटिव नहीं है इसलिए कोई जल्दबाजी संभव नहीं है। एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री पहला काम, और ये लेस देन जीरो, आपके सारे आंसर उल्टे हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा एक्स को पॉजिटिव रख के खेलना। कुछ नया सीखा? कोई बात नहीं, आपके आंसर उल्टा ही तो करने हैं, वो तो आप अभी चेक कर दोगे, है ना? अभी भी मिलाओ नंबर लाइन पे कितने ब्रैकेट? दो। कौन कौन सी वैल्यूज? बोल नहीं रहे हो यार आप। दो और तीन, दोनों की डिग्री ऑड रख दो, दो और तीन। राइट है भाई? चेकिंग करने का टाइम किस जगह पे चेकिंग करो? इवन के नाम पे एक्स इज इक्वल टू कितना? वन। कोई डिनोमिनेटर में है क्या? क्यों नहीं है क्या?
अरे डिनोमिनेटर में कुछ है बोलो, एक्स इक्वल टू कितना? तीन। एक्स की जगह तीन रखो, तीन रखते ही तीन माइनस तीन जीरो, इन्फाइनाइट हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, आने दो की रोको, रोकने के लिए वाइट बॉल। हाँ या ना, एक्स इक्वल टू वन पे चेकिंग करता हूं, एक्स की जगह वन रखते ही जीरो, जीरो से गुणा होता ही जीरो, और जीरो कैसा? लेस देन जीरो। नहीं आया समझ में? पकड़ में आ रहा है? अरे बोलो ना, सही है? तो कहने मतलब जीरो लेस देन जीरो, रोको। अरे डिफाइंड या अनडिफाइंड? अनडिफाइंड, रोक दो। अनडिफाइंड को रोकने के लिए वन को बुलाया, वाइट बॉल लेके खड़ा करवा दिया कि भाई तू मत आना, नहीं तो दुनिया को बताना भारी हो जाएगा कि जीरो कब से जीरो से छोटा होने लग गया। कोई अपने से छोटा होने लग गया क्या? समझ में आया? तो कहने मतलब यहां रुकवा दिया, क्योंकि यह समस्या वन के कारण आई थी, इसलिए वन को बुला के रुकवाया, भाई तू आएगा तेरे को, तेरे कारण हम तकलीफ में आ जाएंगे। अब कहानी को सुनना, प्लस करने का टाइम, प्लस तीन की डिग्री ऑड, माइनस दो की डिग्री ऑड, प्लस एक की डिग्री इवन। तो प्लस का प्लस, क्वेश्चन किसका? लेस देन जीरो, नेगेटिव कहां से कहां? दो से तीन, देखते बदल गया, तीन के सर पे व्हाइट बॉल, तो तीन का ओपन, व्हाइट बॉल ओपन, दो दो पर व्हाइट बॉल नहीं है, लेकिन यहां पे इक्वल भी नहीं है, वापस ओपन, एक्स बिलोंग्स टू माइनस, क्या कोई बात नहीं, कहानी पकड़ में आ गया, नेगेटिव कोई चुनना था अभी भी, लेकिन मैं फील नहीं करा अच्छा, पता है इतने इनइक्वालिटी क्वेश्चन करने के बावजूद भी, क्योंकि आप लिंक पिछले वाले का आपने याद ही नहीं किया, मजा नहीं आया, और दौड़ूंगा मैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है अगर मैं यहां नहीं दौड़ा ना तो डोमेन में मैं अकेला दौड़ूंगा, और आप में से कुछ लोग सिर्फ हांजी हांजी करेंगे, और बाकी सब सिर्फ मुंह फाड़ के देखेंगे कि कुछ हो गया, हो गया, खराब हो गया, चैप्टर पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म, सब डोमेन ही डोमेन है, मात्र डोमेन। मैंने आपको पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था, मान लो कल को क्वेश्चन होता x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में कितना, टू माइनस एक्स अपॉन में नीचे होता x माइनस थ्री, याद है आपको? मैंने सिखाया था कि रूट एफ एक्स का क्या इलाज, पूरा ग्रेटर देन, मेरा पहला लाइन ही होता और उसके बाद ये आंसर होता मेरा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? कहानी के अंदर स्टार्टिंग यहां से होती मेरी है ना, तो मुझे आगे जाने के लिए इस रास्ते पे निभाना आपके साथ बहुत जरूरी है, और मेरे को नहीं उल्टा आपको जरूरी है। मान लो ऐसा हो गया, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, कितनी मेहनत भी बेकार चली है, मान लो ऐसा हो गया, आप इतना समझते समझते डाइवर्ट हो गए किसी दूसरे के बैच में, वहां और बुरी मौत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो तो और आगे चला जाएगा, ये होना तय है, इसे लॉक कीजिए, भागिए मत, किसी की तरफ मत भागिए, आप जाए वहां स्टेबल रहिए, लेकिन पक्का सीखो, पक्का याद कर लो हर रूल, कि पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं फिर ये करते हैं फिर ये करते हैं, श्योर? आगे पे चलता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लीज आप कर लें, है ना, मैं कब तक फॉलोअप दूंगा आपको, मेरे को खुद को ही नहीं समझ में आ रहा। रेडी, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, है ना, एक्स माइनस पांच का होल पावर फाइव, लेस देन इक्वल टू जीरो, डू इट, कितनी देर में करोगे देखते हैं। कितने लोगों का बन गया? बन गया क्या? अब स्टार्ट करता हूं वापस से, पहले किसको लू? अब तो बोलो, बोलना ही पड़ेगा, बोलो, ऑड पावर से नंबर बोलो, थ्री फाइव, इधर जाऊं, बोलो क्या लिखूं? सबसे पहले इवन लिख दो, एक्स की वैल्यू बोलो टू, चेकिंग करो, एक्स की जगह क्या रखो? बोल नहीं रहे हो यार, दो रखते ही क्या हो जाएगा? गुणा होते ही जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, सही या गलत? ट्रू है, ट्रू को हां भरू ना भरू? तो दो को बुलाऊं? दो नहीं है ना, दो को बुला के बाइज्जत बरी इनाम दे दो, क्योंकि ये तो सही निकला था, इंक्लूड होगा, मैं कहीं जाऊंगा आंसर में आएगा, अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो अलग से आऊंगा, इसको ले जाऊंगा। लास्ट अगला डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन है बोलो? एक्स की वैल्यू कितनी? फाइव, राइट है क्या? एक्स इक्वल टू पांच पे बोलो कितना आएगा? एक्स इक्वल टू फाइव रखते ही जीरो, नीचे जीरो आते ही अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, रोक दू, रोकने के लिए वाइट बॉल, प्लस पांच ये रहा, इसकी डिग्री ऑड, माइनस तीन पे बोलो ऑड पे,
प्लस, दो को वैलो प्लस, राइट है। क्वेश्चन किसका? लेस देन जीरो का। कहां से कहां तक का लू? तीन से पांच, राइट है भाई, लिख रहा हूं आप बताओ। तीन से पांच, पांच के सर पे ओपन, वाइट बॉल है तो ओपन, तीन के सर पे वाइट बॉल नहीं है तो इक्वल क्लोज, और किसी पे वादा तो नहीं है हमारा, दो पे तो यूनियन टू नहीं आया, दो को वादे के कारण। अब धीरे धीरे थोड़ी राहत मिली आत्मा को मेरी, हाँ अब मेरे बच्चों ने आवाज दी है कि हाँ अब लगा है मेरे को, कि अब मेरे को राहत है हल्की सी कि नहीं। अब क्योंकि है ना, बताऊं हुआ क्या, जो बच्चा पहली बार भी आया था ना वो भी बोल रहा था, ये भी अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा यार अगर ये बोल देता इसका मतलब तो 100% ठीक है, फिर मामला थोड़ा सेटल हो रहा है, इसका मतलब मजा आया ठीक है। मैं तो, मेरे को पता है मैं अच्छे से भेद जानता हूं। अब अगला पॉइंट, अब तक के जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें या तो इक्वल टू जीरो था या उधर ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन इधर आरएचएस में हमेशा जीरो था। अब उन क्वेश्चन में आते हैं जिनमें आरएचएस में जीरो ना हो। रेडी, क्वेश्चन है सॉल्व ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन टू, बताइए। पहली बात, नीचे जो लिखा है ठीक है, इसको कभी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। क्यों नहीं करूं सर, क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि x माइनस टू का करेक्टर क्लियर नहीं है। सर करेक्टर क्या होता है? करेक्टर माने ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मुझे नहीं पता। सर कैसे नहीं पता, मुझे लग रहा है पॉजिटिव है। अरे तुझे कहां लग रहा है? सर x की जगह पांच डालो ना, आप पांच रखो, पांच में से दो गया तीन, पॉजिटिव है सर कर दो। मैंने कहा माइनस पांच डाल बेटा, मैंने एक्स की वैल्यू के साथ साथ ये बदल रहा है, जो बदलता है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। फिर क्या करोगे है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो दो को इधर बुला लो। अगर आपने इधर बुलाया तो x माइनस वन अपॉन x माइनस टू माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। कितने लोगों को लगता है एलसीएम ले लू? बोलो जल्दी से, एलसीएम कितना? x माइनस वन माइनस टू एक्स, बोलो तो सही, प्लस चार। अरे एलसीएम तो ले सकते हैं, इज ग्रेटर देन जीरो। बोलो इसमें से घटा कितना बचा? माइनस एक्स, चार में से गया प्लस तीन, डिवाइड बाय नीचे कितना? एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। कितने लोगों को अभी भी याद है एक्स नेगेटिव? क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लो, तुरंत कितना बन गया? एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस दो और चिन्ह बदल गया, नहीं आया। नंबर लाइन पे दोनों की डिग्री बोलो, ऑड नंबर लाइन पे क्या क्या उतारूं? टू थ्री। चेकिंग बोलो कहां पर? इवन का कोई ब्रैकेट है क्या? डिनोमिनेटर में कोई है? डिनोमिनेटर में कौन है? एक्स की वैल्यू बोलो, टू, टू रखो जीरो, अरे टू रखो ना जीरो, नीचे जीरो आ गया तो इन्फाइनाइट नहीं आ रहा। इन्फाइनाइट को रोकूं? रोकने के लिए दो के सर पे प्लस माइनस प्लस, सही या गलत? क्योंकि दो ही ब्रैकेट थे, दोनों अट गए थे। क्वेश्चन किसका? नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव कहां से कहां तक? दो से तीन, लिख दो, दो से तीन ओपन, दो पे ओपन क्यों? कारण बताओ, वाइट बॉल, तीन पे ओपन क्यों? इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू होता तो क्लोज नहीं आया, थ्री पे क्लोज, और क्लियर करा आपने, अच्छा किया ठीक है। बहुत बकवास रख रहा हूं, मेरे को पता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं कई लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जितने लोगों के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूं उससे 20 गुने ज्यादा लोगों के साथ न्याय कर रहा हूं। मैं अच्छे से जानता हूं ये, आज अगर मैंने सपोज स्किप करा दिया तो हो सकता है मैं सिर्फ तीन या चार स्टूडेंट का भला करूंगा, उनको ऐसा लग रहा है, नहीं, ये जो साथ खड़े हैं ना, ये साथ खड़े हुए लोग ही आपके सामने आ जाएंगे, ये आपको नेगेटिव कर बैठेंगे क्योंकि इन्हें नहीं आया, तो ये आपको नेगेटिव कर देंगे जल्दी, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, यार कुछ समझ में नहीं आता, फंक्शन उड़ रहा है यार, फंक्शन उड़ रहा है, फिर आपको जानबूझ करके समझ में आते हो भी आप मना करोगे। इसलिए लेट इट बी, हैव फेथ, होगा बहुत अच्छा ठीक है। आपको दिख रहा होगा मेहनत चल रही है ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं कर रहा। रेडी? हां साहब,
अभी भी किसी को ओपन क्लोज आता नहीं हो तो बोलो ओपन क्लोज आता है? जल्दी बताओ, व्हाइट बॉल पे ओपन बैठे, टीम पे व्हाइट बॉल नहीं हो तो किसकी ओर देखूं? इक्वालिटी के ओर। इक्वल होता तो, इक्वल नहीं हो तो ओपन। किसी को इंक्लूड करना हो तो व्हाइट ब्लैक बॉल या व्हाइट बॉल? ब्लैक बॉल। और किसी को एक्सक्लूड करना हो तो व्हाइट बॉल। अब धीरे 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 मेरे को लग रहा है थोड़ा और मैं सेटल हो गया, अब थोड़ा मेरी दिल को राहत मिल रही है। आपको पता नहीं है मैं क्या करवा रहा हूं, मुझे भी पता है मेरा दिल बहुत दुखता है भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए जबरदस्त प्रसंग है, क्वेश्चन करके बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन ऐतिहासिक है, कर सकते हो? क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या करना? इधर ले आओ, खटाखट खटाखट फिरो, खटखट 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 खटखट, हाथ तेज चलाओ। एलसीएम नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना, हो गया? वेरी गुड, जे एंड के बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया ब्लू। हाँ भाई, आपको पता है ना 7:15 बजे अधर्मी लोग आ जाएंगे, जल्दी। कितने लोगों को आ गया? आगे की चर्चा करो, बन गया क्या काम? मेरे को समझाओ क्या करूं, इसको इधर ले आओ। 1/(x-2)0 एलसीएम एक्स, 1-2x0 ऐसे खेलो? कैसा खेलो? 2x-1/(x)0 कर दो, नंबर लाइन पे पटको, x की वैल्यू, इससे x की वैल्यू, हाँ यहां जीरो और यहां पे कितना 1/2 आया, प्लस और डिग्री है भाई, अब मैं नहीं रुकूंगा, प्लस माइनस प्लस। कोई न्यूमरेटर में है क्या? नहीं सॉरी, क्या कोई डिनोमिनेटर में है? डिनोमिनेटर में x की वैल्यू बोलो, इससे x की वैल्यू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो रखने पर इनफाइनाइट अनडिफाइंड। रुको, जीरो को रोका, आंसर बोलो क्या चुनना है? लेस देन जीरो है तो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव कहां से कहां? जीरो से 1/2, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 ओपन। हाँ भाई, कितने लोगों का सही है? थोड़ा और अभी भी, मतलब अब मेरे को लग रहा है कि मतलब ठीक है, वो पहले तो 3 हाथ होते थे उसकी जगह 10 होने लग गए, लेकिन होना ये चाहिए लास्ट में 10 ही बच्चे, बाकी सबको आ जाए, ठीक है ना। हाँ उल्टा हो जाए भले खेल, हाँ नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, अपन क्रॉस किसको करेंगे? ये उधर जाते समय बता के जाएगा मैं पॉजिटिव हूं कि नेगेटिव हूं। अगर कल को ये -2 ले लिया तो नेगेटिव है, और +2 ले लिया तो पॉजिटिव है, माने ये दोनों तरह जा सकता है। लेकिन सर -2 होगा तो फिर 2 से बड़ा कैसे होगा? कौन? हाँ वो जो आप कह रहे हो ना, वो जो आप दिमाग से सोच के जवाब दे रहे हो वो मेरा आंसर दे रहा है। जीरो से हाफ के बीच का ही एक्स है, ऐसा एक्स है ये जो आप सोच रहे हो ना, वो ये सोच रहे हो कि ये एक्स, इसको आप जो मन में सोच रहे हो उसको कहते हैं केसेस बनाना। अगर मैं केस बना बना के लड़ूंगा तो मेरे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में तो मैं केस गवर्न कर सकता हूं, लेकिन बड़े केसेस में तो तकलीफ आ जाएगी। तो मैंने एक यूनिवर्सल रूल बना रखा है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, राइट है, तुरंत बात को रोकूंगा। हाँ भाई, अब क्वेश्चन बताओ, अब क्योंकि बात चली है तो मेरे को छेड़नी पड़ेगी। कल को अगर सर ये 1/(x) इज ग्रेटर देन 2 होता तो कर सकते थे, क्यों कर सकते थे? मॉड अपने आप में पॉजिटिव, सही है, क्योंकि मेरे को तब कोई केस नहीं बनाना पड़ता, बैठे। अच्छा अब आ जाऊं, थोड़ा और आगे चल लूं। देखना हम देख, अगर देखा था मॉड कैसा बेटा पॉजिटिव, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इसको लिखता हूं 2 mod x is less than 1 डायरेक्ट, है ना भाई, लेकिन यहां नहीं कर सकता। अच्छा अभी अगले बात हूं, अगला पढ़ाव भी देखें, x2 + 2x - 3 अपॉन में नीचे दे रखा है x2 + x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आज हमने x2 + x + 1 की खूब धज्जियां उड़ाई है,
कितने लोगों को याद है इसका ए कितना, इसका ए कितना कितना कितना, वन। डी याद हो तो बताओ, अंडरूट में माइनस थ्री, याद आया कि नहीं आया? इसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे डी में अंडरूट में माइनस तीन आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? माइनस तीन नेगेटिव या पॉजिटिव? माइनस तीन कैसा, तो डी नेगेटिव आ रहा है ना। अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो तो पूरी क्वाड्रेटिक कैसी? पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरी पार्टी कैसी है? पॉजिटिव है। और मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई संभव है, नहीं आया? क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो कर दो सर, किसने रोका? करते ही जीरो में गुणा हुई, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रह गया। तो भी कर सकते थे, लेकिन तब मैं इनइक्वालिटी बदल देता। अच्छी बात बताई, पॉइंट है, ठीक है, लेकिन तब मैं इनइक्वालिटी बदल देता। अच्छा, अभी ग्रेटर देन जीरो है, अब मैं क्या करूं? मैंने बताया था क्वाड्रेटिक हो तो पहले क्या करते हैं? फैक्टराइज। क्या इसके फैक्टर संभव है? देखो मैं मिलाता हूं, सोचो। हां साहब, कितने लोगों को ध्यान आ रहा है? एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन कर दिए मैंने फैक्टर। नंबर लाइन पे क्या क्या आया? माइनस थ्री और वन। कोई न्यूमरेटर, कोई इवन पावर का, कोई डिनोमिनेटर में, दोनों ही नहीं है तो प्लस माइनस प्लस। किसको चुनो? अब तो बोल दो, ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस या माइनस? प्लस। तो इधर और उधर आंसर बोलो, कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से माइनस तीन यूनियन वन से इनफाइनाइट, वन से इनफाइनाइट नहीं आ रहा। एक सेकेंड, इनफाइनाइट पे तो ओपन, वन पे क्या? क्यों? इक्वल है, और कोई वाइट बॉल भी इक्वल हो तो क्लोज। आगे बेटा, है ना, आ रहा है? इक्वल है तो क्लोज। हालांकि मेरे को बहुत पहले ही आवाज सुनी थी कि आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, और सोचते हैं, ठीक है। जितना आपकी मेहनत आपके साथ करूंगा, कहीं ना कहीं वापस रिटर्न आएगा। लो अगला क्वेश्चन, अब तो रखो, इनइक्वालिटी धीरे धीरे पकड़ में आ रही है ना। अगला पॉइंट रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अब मैं आपको लॉक करना सिखाता हूं चीजों को, कैसे। मान लीजिए किसी ने दिया, किसी ने दिया x माइनस टू अपॉन, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। कहानी में दे रखा है ग्रेटर देन जीरो, आज ही हमारी इस पे बात हुई है। इसका a बोलो थ्री, इसका d याद हो तो बोलो अंडर रूट में माइनस चवालीस। a कैसा? पॉजिटिव। d कैसा? नेगेटिव। श्योर? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव माने पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, कह दो। इसका मतलब ये पूरी पार्टी पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, करते ही अगली लाइन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो उर्फ एक्स ग्रेटर देन टू। हाँ या ना, एक्स दो से बड़ा कहां तक? दो से बड़ा कहां तक? इन्फाइनेट। तो आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फाइनेट। किसी को पता चला ओपन क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है। अच्छा अब रुको, कॉपी नहीं करना, ऐसी बात चल रही है अब तो, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन में होता 0.5, कितना होता 0.5। अब कितने को याद है नीचे वाला? नीचे वाला ऊपर वाला 0.5 कैसा? 0.5 कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या कोई पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो होता है? कभी कभी, हमेशा? हमेशा। ये तो होता ही है, और जो होता है हमेशा उसे एक्स बिलोंग्स टू आर। आज ही बात हुई थी, जो हमेशा उसे एक्स बिलोंग्स टू आर, नहीं आया? अब मैं क्वेश्चन को बदलता हूं और आपका फ्रेम चेक करता हूं। मान लो क्वेश्चन होता 0.5 अपॉन में तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पांच, और यह होता लेस देन जीरो। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला भी
पॉजिटिव पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव लेस देन जीरो होता है क्या? तो क्या बोलो भाई, आ गया ना समझ में? जो नहीं होता ना भाई, नहीं होता, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू फाइव। अब तो रोक लें, बहुत इनक्वालिटी कर अब दौड़ा रहा हूं मैं, ठीक है? कॉपी करने लायक लगे तो करते रहना, नहीं तो मेरे को मतलब व्यवधान नहीं आना, मैं आगे की तरफ की सोच रहा हूं। रेडी? कहानी पकड़ना रही है ना आपको? हाँ, आप बोलोगे उस मोमेंट पे वैसा वैसा क्वेश्चन बन जाएगा, वो कोई तकलीफ नहीं। बस आपको मेरे को पुराने रूल्स याद दिला के सुनाने पड़ेंगे कि भाई मेरे को ये तो याद है, ठीक है? क्योंकि पूरी कहानी सुर में रूल की है, एकदम वन टू वन मैं आपके साथ फायरिंग करूं। रोज आप पढ़ के आओ, तब जाके आपको फंक्शन एकदम डाइल्यूट क्लिक करेगा। खट क्वेश्चन देखा आप, दुनिया देखेगी आपको कि आप देख के सीट आंसर बता रहे हो। ये हो गया क्वेश्चन, इसमें ये कर लेना, ये कर लेना, हो गया डन। अगला पॉइंट, अब दो दो इनइक्वालिटी। अब भी देखो मैंने आपको बताया जब जीरो ना हो तो क्या करना, फिर मैंने आपको सिखाया पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या करना, फिर मैंने आपको सिखाया दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों में से नेगेटिव नेगेटिव तो कैसे थॉट लेनी है। अब मैं आपको अगली थॉट सिखा रहा हूं। रेडी? हां साहब, क्वेश्चन में टू इनइक्वालिटीज, टू इनइक्वालिटीज। रेडी साहब? ये अलंगी इलेवंथ का टॉपिक है, पता है आपको, आपको इलेवंथ में आ जाना चाहिए था ये, और अब तक आता रहना चाहिए था, तब हमारे लिए फंक्शन आसान होता है। लेकिन क्योंकि क्लिक ही नहीं करी तब, या करा तब भूल गया अब, ठीक है? सॉल्व, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। हां साहब, कितने लोगों को यह पता चल रहा है? देखो जरा, देखो एंड ही लिखा मैंने, लेकिन फोटो किसकी लग गई? इंटरसेक्शन की। माने अगर क्वेश्चन में कभी भी एंड लिखा हो, इंटरसेक्शन समझे, तो क्या इंटरसेक्शन के लिए दीवार खड़ी कर दूं? इसको लिखा मैंने अभी अभी, ये क्वेश्चन कहीं किया था, दिख रहा है आपको? ये तोड़ रखा है, ये फैक्टराइजेशन संभव है इसके, ये अपने आप में बन गया एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन पे आ गए माइनस तीन और एक, प्लस माइनस प्लस बिखर गया, और क्वेश्चन में इधर और उधर संकेत चले गए। अब मैंने रोक दिया, अगर दो दो इक्वेशन हो इतनी दूरी तक ले जाकर रोक दो। अब दूसरी इक्वेशन पे आओ, कितने लोग इसे तोड़ सकते हैं? बाहर भवानी भैया गार्ड से पूछोगे तो देखते बता देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस चार के टुकड़े नहीं हुए इतनी देर में, बोलो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, क्या ख्याल है? लेस देन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन पे बोलो क्या क्या पटकू, माइनस दो और दो, वही प्लस माइनस प्लस, किसका माइनस या प्लस? क्यों माइनस? लेस देन जीरो माने जीरो से छोटा माने नेगेटिव, राइट है, टू और माइनस टू के बीच का। अब अपने बीच में इंटरसेक्शन करने का टाइम आया, अब यहां सीखो इंटरसेक्शन के टाइम पे क्या करना होता है, एक लाइन बनाते हैं जिसमें आप दोनों के बीच मांडवाली करवा रहे हैं, ठीक है? मांडवाली कराने का, मांडवाली समझते ना, फिल्मों में होती है ना, मांडवाली कराते हैं, अरे आम में से कभी किसी ना किसी का सर्वर नहीं बोड़ा लगता है पैचअप करना, ठीक है? अरे सर्वर फोड़ लेते ना तब किसी का इक्का दुक्का, दो ग्रुप मिलकर के, ठीक है? तो लास्ट में मांडवाली कराती है पुलिस, क्या कर रहे हो ये है, या हमारे इलाके में कर रहे हो, पुलिस मांडवाली कराती, आओ मांडवाली कराते हैं आपकी, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों को मारेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो वो लोग समझ जाते हैं मांडवाली करने में समझदारी है भाई, इलाका बांट ले, ठीक है? तो देखो जरा कैसे मांडवाली कराते हैं, बुलाओ इन्हें एक एक आदमी को, भाई तुझे क्या चाहिए, ए वाली पार्टी कहेगी भाई हमारे को एक से ज्यादा बड़े, एक से इधर भेज देना भाई, ठीक है? इसका एक काम करो, एक से आगे की स्प्रिंग बिछा दो, राइट है भाई? ध्यान से दबाना, क्योंकि इक्वल टू ए ब्लैक बॉल, दिख रहा है आपको? यहां पे भी इसके लिए भी ब्लैक बॉल दिख रहा है, इधर इक्वल टू है कि नहीं? ब्लैक बॉल दे दू पहले से ही, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ भाई, तो एक से लेकर के और इसको इधर का इलाका चाहिए, मैंने स्प्रिंग इधर की बिछवा दू, बिछ गई इधर का इलाका, इसे दे दिया, दे दिया। दूसरे बोला भाई तेरे को क्या चाहिए, चल इधर, ठीक है? उसने कहा माइनस तीन के पीछे का दे दो सारा इलाका, माइनस तीन से पीछे का इलाका दे दो, दे दिया, है कि नहीं? अब इन दोनों को बुलाओ, है कि नहीं? तुम्हें क्या चाहिए, माइनस दो से दो के बीच का, बीच का चाहिए ना, तो माइनस दो कहां है, माइनस दो ये रहा, दो कहां पड़ेगा,
एक के बाद, ये तो पता होता है। yes, sir. अरे माइनस दो के बाद दो इधर पड़ता है, घूम तो नहीं गया कोई, no, है ना? माइनस दो से दो के बीच का, आओ आओ, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? yes, बताओ सबसे डार्क स्प्रिंग कहां मिल रही है? yes, एक से दो के बीच में। yes, बाकी सब जगह एक 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 का इलाका है। yes, तो फाइनली इंटरसेक्टेड एरिया आया, एक्स बिलोंग्स टू एक से दो, और दोनों जगह पे ब्लैक बॉल थी, राइट है? इसलिए क्लोज। अच्छा लगा? नहीं, अब आपकी बारी है, रेडी? दे दूं? मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, क्वेश्चन में ही चेंज कर दूंगा हल्का सा इसी में, ताकि आपका एक साइड का तो काम पूरा हो जाए। आपसे तो मांडवाली करनी सीखनी है मेरे को। क्या आपको मांडवाली करनी आ गई कि नहीं आ गई? राइट है, लेट्स सी। टाइम आ गया आपका, दे दूं? एक सेकंड, दे दूं? हाँ ठीक है ठीक है, कॉपी 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 कॉपी। याद है ना, दीवार के इस पार उसको सॉल्व किया, इस पार इसको सॉल्व किया, दोनों की स्प्रिंगें पहले से पक्की कर ली, और लास्ट में दोनों को एक साथ बुलाया, सबका एक से एक इलाका, और जहां दोनों की कॉमन स्प्रिंग टकरा गई वहां से वहां तक इलाका बुक करवा दिया। हमेशा ध्यान रखा व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल का, ऊपर से निर्धारण करके चलना। रेडी? मजा आएगा, सोचने का टाइम, ठीक है? मजा, ठीक है? हां साहब, बिल्कुल हल्का सा चेंज कर रहा हूं, रेडी? पहले लेकिन फाइटिंग, एकदम भागना नहीं है, ठीक है? चेंज क्या है सुनना, अगर कल को यहां एक्स स्क्वायर माइनस चार की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो यहां पे, अरे एक्स स्क्वायर माइनस वन के टुकड़े बोलो, एक्स माइनस वन, तो यहां पे क्या क्या आता? माइनस वन और वन। अब मांडवली करो, चलो आधा क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, आप तो मांडवली करके दे दो मेरे को। हां नहीं, मजा आएगा। अरे रखो तो सही, स्प्रिंग बिछाओ, एक एक को बुलाओ बकायदा, बेटा तू चल इधर, तू कहां से चाहता है, बोल बोल के करो, आपको दिखेगा। आंसर नहीं बोलना, आंसर नहीं बोलना है। बन गया क्या भाई? yes, मिलाओ मेरे साथ में, कितने लोगों का? देखो भाई, पहले आदमी को बुला रहा हूं भाई, इसको कहां से कहां तक इलाका दूं? एक से डार्क स्प्रिंग या होलो? डार्क स्प्रिंग। एक से पीछे का इलाका दे दूं? yes, इसको कहां से कहां तक का? माइनस तीन से पीछे का उधर का दे दूं? yes, उधर का दे दिया। yes, अब इसको कहां से कहां तक चाहिए? माइनस वन टू वन, माइनस वन यहां का ही पड़ेगा, और वन तो एक खुद ही है, तो माइनस वन से वन। देखो कैसे करता हूं मैं खेल, यो यो यो, और ये इसके सर पे है। हाँ भाई, कुछ कॉमन हुआ क्या दोनों का? क्या? सिर्फ स्प्रिंग टू स्प्रिंग, याद है, बॉल टू बॉल, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ बॉल कॉमन आई, और बॉल कहां पे थी? वन पे। इसलिए आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट वन, एक पे। नहीं है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन और चेंज करता हूं, कर दू? नहीं है? कर दू? हाँ हाँ बिल्कुल, एक से नहीं, जो लोग ये कॉपी कर रहे हैं मेरे को पता है, वो तो कोई कहीं तो पूरा पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे ना अभी, है ना? कर दो एक छोटा सा, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन कॉपी कर लो बस, है ना? और ये लास्ट में आंसर। अरे आपको पता है ना, विकास पुरुष आने वाले हैं सारे, ठीक है? हाँ भाई, कितने लोगों का हो गया? रेडी? क्या क्या सीन हुआ? आंसर आ गया? अब देखो मेरा चेंज क्या है, बहुत सिंपल था, चेंज कर रहा हूं। यहां पे लेस देन जीरो, बोलो लेस देन जीरो तो क्या होगा? व्हाइट बॉल की जगह, अरे व्हाइट बॉल आ जाएगी, व्हाइट बॉल आ जाएगी, सॉरी व्हाइट बॉल ही आ जाएगी, नहीं आया समझ में? अच्छा देखो, जब आप माइनस वन से वन बुलाओगे तो यहां पे भी व्हाइट बॉल, और यहां पे भी व्हाइट बॉल आएगी, क्या कुछ कॉमन होगा क्या? व्हाइट बॉल माने इंक्लूड या नॉट इंक्लूड? माने ये इसमें एक इंक्लूड नहीं है, जबकि इधर वाले में एक इंक्लूड, कुछ कॉमन आया क्या? तब कुछ कॉमन नहीं आया,
इसने ठीक एक से पहले बात बंद करी और उसने एक से चालू कर दी। ये बिल्कुल ट्रेन छूटने वाला सीन था। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब तब होता है एक्स बिलोंग्स टू फाइव, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया, नहीं आ रहा। कहानी पकड़ में आ गई है ना? अब मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं जल्दी से, है ना भाई? अब ये अपन इससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है? इनइक्वालिटी में, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल की इनइक्वालिटी पे आ रहा हूं। नेक्स्ट टाइटल है मॉडुलस इनइक्वालिटी। हालांकि आप में से कई लोगों ने कर रखा है, ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। आ जाओ मॉडुलस इनइक्वालिटी। हां भाई, इधर के वन पे ब्लैक बॉल होती और उधर वाले पे, इधर पे ब्लैक ही तो है, हाँ है ना? तो फाइव होता आंसर अभी वाले तो केस है। हाँ भाई, अभी के कहानी में चलाओ मेरे को आगे। मॉडुलस इनइक्वालिटी, टाइम आ गया भाई इस पे बात करने का। दो ये तो करा अभी बने और हो जाए तो मेरे को बताना बाद में, है ना? अपन करेंगे चर्चा, इस पर आते हैं, है ना? मॉडुलस इनइक्वालिटी थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा एक और बात है ना, इसके बाद आपका पीरियड है क्या कोई? एनवी सर आज कहां पीरियड लेंगे? लेंगे क्या? नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि है ना, अगर नहीं हो आप सबका इकट्ठा पीरियड नहीं हो तो, क्योंकि जैसे ही 7:15 बजेगा यहां पे भीड़ आ जाएगी बुरी वाली, ठीक है? आ जाओ साहब, मांड वाली करवा रहा हूं, ठीक है? हाँ साहब, मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी में पहले एक बार क्लियर कर देता हूं। पहली चीज सबको पता है मॉड एक्स, याद है? किसी को अगर याद हो तो रिप्रेजेंटेड बाय ये दो ऐसी लाइनें और एक्स, याद है? पॉइंट नंबर दो, अगर मॉड एक्स के बारे में ध्यान हो तो मैंने ये बताना चाहिए मुझे कि मॉड एक्स की वैल्यू अपने आप में, याद है मॉड एक्स कैसा होता है? मॉड एक्स बहुत ही धर्मात्मा आदमी है ना? उसको अगर पता चल जाए कि अंदर वाला, मॉड एक्स को अगर पता चल जाए अंदर वाला पॉजिटिव है कि भाई मैं पॉजिटिव हूं, तो इसको ऐसा कैसा आने देता है? लेकिन अगर बाय द वे अंदर वाला एक्स अगर कल को नेगेटिव हो गया तो ये माइनस के साथ निकालेगा। नहीं आया समझ? आ गया? श्योर? अच्छा चलो जल्दी से बताओ, मैं आपके सामने अगली बात रखता हूं। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की कितनी वैल्यूज? दो बातें संभव है, या तो एक्स माइनस वन कैसा होगा? पॉजिटिव, या एक्स माइनस वन कैसा होगा? अगर x माइनस वन पॉजिटिव है तो कैसे निकालेगा ये? एज इट इज, बोलना सीखो एक बार जरा, एज इट इज। एज इट इज निकालेगा माने कैसा? x माइनस वन, और अगर अंदर वाला x माइनस वन नेगेटिव है तो माइनस के साथ। नहीं आया? आ गया? तुरंत बताओ, चलो मेरे को बताना, रेडी है ना? मिटा रहा हूं इसलिए ताकि आपसे सीख सकूं। चलो बताओ, मॉड में x प्लस तीन होता, दो बातें होती, कौन कौन सी? या तो x प्लस तीन कैसा होता? पॉजिटिव। या x प्लस तीन कैसा होता? नेगेटिव। अगर x प्लस तीन पॉजिटिव होता तो एज इट इज निकालता x प्लस तीन, और अगर कल को x प्लस तीन नेगेटिव होता तो माइनस x प्लस तीन। अच्छा अब एक मिनट, कितने लोगों को यह समझ में आया कि x प्लस तीन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो तीन थोड़ी देर बाद उचक करके उधर पहुंच जाएगा? क्या ख्याल है? नहीं आया? और उधर से देखा जाए तो यहां कितना होगा? x लेस देन माइनस तीन। इसका मतलब x अगर माइनस तीन से बड़ा हुआ तो एज इट इज आएगा, और x अगर माइनस तीन से छोटा हुआ तो माइनस के साथ आएगा। नहीं आया? दोबारा सुनना मेरे को, मैं इसको बिल्कुल पहले कंठ तक आ जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, यही होना चाहिए, राइट है? अब सुनना जरा, मैंने लिखा साइन एक्स, कितनी बातें हो सकती हैं? कौन कौन सी? साइन एक्स या तो पॉजिटिव होगा या साइन एक्स कैसा होगा? अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो इसे कैसे निकालेगा? एज इट इज, क्या? और अदरवाइज माइनस साइन एक्स। याद आया? अच्छा मिटा रहा हूं, रुक जाओ धीरे धीरे, ये सब वापस दे दूंगा मैं आपको, जो तो मिटा रहा हूं दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं नहीं लिखूं, आप लिखो। यार मैं कितना लिख दूंगा, मैं ये कर दूंगा उसके अगला लिख दूंगा, फिर जैसे आप शीट में घुसोगे वापस ब्लैंक। नहीं, मुझे आपको हथियार बना रहा हूं यार, आप दिमाग लगाओ। रेडी?
अब दोबारा से वही लिखता हूं, x प्लस तीन, क्या लिखा? टर्निंग पॉइंट बोलना, टर्निंग पॉइंट बोलने के लिए अंदर वाले को इक्वल टू जीरो बोलो, इसको समझो इक्वल टू जीरो लिखा है, बोलो x की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई? माइनस तीन। तो दो केस होंगे, x या तो माइनस तीन से बड़ा होगा या x माइनस तीन से, x अगर माइनस तीन से बड़ा तो एज इट इज, x अगर माइनस तीन से छोटा तो माइनस के साथ। अभी भी नहीं आया, अब जरा बोलो अगर मॉड में x माइनस पांच होता तो, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पांच, x इज इक्वल टू पांच, तो दो बातें होंगी, x या तो पांच से या x पांच से, x अगर पांच से बड़ा तो x माइनस पांच, और यहां। अब दोबारा सुनना, देखो मैं पिछले वाले से आगे आ गया ना, जो यहां लिखा था उससे आगे आ चुका हूं मैं, उस जगह मैं वहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं अपनी गति बढ़ाता जा रहा हूं और मैं आपको अगला स्टेप सिखा रहा हूं, अगला स्टेप सिखा रहा हूं। अब मैं और अगला स्टेप सिखाता हूं, रेडी? सोचना कैसे, सोचना सिखाता हूं। अब ये तो हुआ याद करना, लिखा खड़ा कॉपी में आपका आंसर आ गया, नहीं अब उससे आगे सोचना सिखा रहा हूं, सोचना सीखो। मॉड में एक्स माइनस पांच है, एक्स की वैल्यू अगर पांच से बड़ी हो गई तो इसका मतलब फील करो, एक्स अगर पांच से बड़ा, जैसे पांच से बड़ी कोई वैल्यू सोचो, छह, छह रखो यहां, छह माइनस पांच एक, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज निकालना था। अब पांच से छोटी वैल्यू सोचो, चार, चार रखते ही नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस के साथ उतारेगा। मॉड का धर्म है अंदर वाला अगर नेगेटिव फील करा गया तो माइनस दे देगा तुरंत, वरना पॉजिटिव निकालेगा एज इट इज। रेडी? दोबारा मिटाता हूं, रेडी? अब आप में से कितने लोग मुझे लिख के दे सकते हैं वापस? रेडी? मेरी तरफ से पहला है x माइनस सेवन, डायरेक्ट मुझे दो लाइनों में जवाब लिख दो, लिखना है। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, आप में से किसी को है? हाँ साहब, कितने लोगों को पता है टर्निंग पॉइंट? सेवन। एक्स अगर सात से बड़ा तो एज इट इज, एक्स माइनस सेवन, और एक्स अगर सात से छोटा तो। अब ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप तुरंत सोच के जवाब देना, थ्री एक्स माइनस फोर, थ्री एक्स प्लस फोर बोलो, थ्री एक्स प्लस फोर टर्निंग पॉइंट बोलो, 4 बाई थ्री या माइनस फोर बाई थ्री? एक्स अगर बड़ा किससे? माइनस फोर बाई थ्री से तो एज इट इज, एक्स अगर छोटा माइनस फोर बाई थ्री से तो। कहानी पकड़ में आ रही है ना? अब अगली कहानी सुनो, आगे की कहानियां किधर हैं, है ना? इसके आगे की बात है, यहां तक की बात समझ में आई? वो लिखते तो क्या होता, देखो आपकी कॉपियां भर जाती, मैं चाहता हूं आपको सुर में याद हो जाए एकदम, याद, हाँ ये है ऐसा बोलना है मुझे, ठीक है? अच्छा अब आगे की बात रखता हूं, साइन एक्स हो गया, नहीं मैंने साइन एक्स पे बात नहीं करी, नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूं ना, रुको यार, फिर वो एंदूरी चला था मेरे को पता है, लफड़ा कर दोगे आप लोग बाद में, ठीक है ना, बिखेर दोगे सारा खेल। सोचो ई की पावर एक्स, बोला किसी को याद है पहला दिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा कैसा? अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव, उसे पता चल गया e की पावर x हमेशा पॉजिटिव, अगर हमेशा पॉजिटिव तो कैसे निकालेगा? एज इट इज। नहीं आया समझ में? क्योंकि e की पावर x नेगेटिव होता ही नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे आप लिखोगे e की पावर x लेस देन 0, चिल्लाने के बाद अरे क्या कर रहे है? क्या कर रहे है? मेरे खानदान में कभी कोई नेगेटिव पैदा नहीं हुआ, याद नहीं पहले दिन का दूसरा पॉइंट तेरे सर ने लिखवाया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो संभव ही नहीं है। यहां रुकवा लोगे आप? कहानी पकड़ में आ रही है? श्योर? है ना? थोड़ा थोड़ा, कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल, आएगी पूरी आएगी, कैसे नहीं आएगी साहब, ठीक है? हां साहब, नेक्स्ट पॉइंट सुनो, मॉडुलस के बारे में हल्की फुल्की बात। अब आता हूं मॉडुलस कौन है, अभी तक तो मैंने आपको याद कराया, देख बेटा ऐसा हो तो ऐसा लिखना है तेरे को, ये पहला दांव होना चाहिए तेरा। अब आ जाओ सेकंड थर्ड पॉइंट पे, मॉडुलस एक्स क्या है? मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू, में याद रखना अंडरूट एक्स स्क्वायर होता है, अंडरूट एक्स स्क्वायर तो सर एक्स होता है ना, नहीं मॉड एक्स होता है, अंडरूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है।
अब बताओ जरा कितने लोगों को पता है कि फिर सर मॉड एक्स माइनस वन क्या होता है? अंडरूट एक्स माइनस वन का. फिर कितने लोगों को बदल गया मॉड साइन एक्स क्या होता है? अंडरूट साइन स्क्वायर एक्स. क्या आपको क्लिक कर गया? कर गया है ना. अब आ जाओ अगले पॉइंट पे बात करता हूं. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं है ना. अच्छा है ना. अब थोड़ी सी देर के लिए मैं बाहर जाता हूं. बाहर माने इस पूरे टॉपिक से बाहर जा रहा हूं. ठीक है मैं आपको क्यों अंडरूट है ना. अंडरूट के अंदर कभी भी आप स्क्वायर बनाते हो ना तो ऑलवेज टेक केयर. जैसे आपने अंडरूट में सोचना, अंडरूट में अगर आपने चार डाला तो आपके हिसाब से आंसर आया दो. लेकिन आप सोचो कि अगर आपको याद हो तो माइनस दो का स्क्वायर भी चार था और दो का स्क्वायर भी चार था. तो अंडरूट चार को क्लेम करने के लिए कितने आदमी आने चाहिए थे? दो. तो इसलिए एक प्लस और एक माइनस का बचाव करने के लिए हमने मॉड लगवा दिया ताकि दो ना आए, क्योंकि अंडरूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अच्छा फिलहाल मैं मुद्दे में आ रहा हूं है ना. मेरे को एक बहुत बड़ी वाली बकवास करनी है, बहुत बड़ी वाली बकवास, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं है ना. मैं आगे इसी के लिए जाना चाहूंगा कि यार मस्त हो गया यार. मैं तो गरीब था, मेरे से तो हवा ही नहीं लगती थी और मेरे तो एक खट से ना क्वेश्चन बनता है. देखा जवाब सामने वाला सन्नाटा. ठीक है आ जाओ. एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहां लिखा था. आप ऐसे अगर किसी को याद हो एक्स प्लस तीन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया. कितने ब्रैकेट है? दो ब्रैकेट. देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कविता है, पुराने बच्चों को याद होगी. दो ब्रैकेट देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए भाला. अब ये भाला कहां से घुस गया? मैं बताता हूं कहां से आया. किसी को याद हो इनइक्वालिटी का साइन या तो यो होता है या यो होता है. इसके पीछे अगर डंडी लगा दे तो तीर बन जाता है. कल को थोड़ा सा और लंबा कर दू तो भाला बन जाएगा. इसका मतलब इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी नहीं है हमारी दुनिया में. कौन है ये? भाला है. अगर ये भाला है तो इस समय भाला फंक्शन से दूर है. अगर कल को ये लेस देन इक्वल टू जीरो होता तो फंक्शन की और होता. तो दो केस हैं, फंक्शन से दूर या फंक्शन की और. ये डायरेक्ट जवाब देने का तरीका है, इसे कृपया दिल पे ना ले. ठीक है ना. डायरेक्ट देखा जवाब खटखट खटखट खटखट. क्योंकि मजा क्या मैथ्स में आप बताओ ना. पूरे दिन भर में पूरे इतना पढ़ा, कौन सी ऐसी जगह जहां हंसी आ रही थी? कहीं नहीं आ रही थी ऐसी. बहुत बोरिंग चीज है यार, कुछ तो नया करना ही पड़ेगा ना. अब कुछ तो करूंगा ना यार मैं, कि जिससे मुझे भी लगे यार राहत है, आपको भी लगे यार ठीक है ना. पूरे टाइम मैं एकदम सोना नहीं रहा. तो फिलहाल दो केस है, भाला या तो फंक्शन की और या फंक्शन से दूर. अगर ये कब याद आएगा? जब दो ब्रैकेट हो, टू ब्रैकेट्स में, अदरवाइज यूज नहीं करना. दो ब्रैकेट है तो भाला फंक्शन की और. अगर बोलना पड़ेगा मेरे साथ में, अगर भाला फंक्शन की और तो फंक्शन डरेगा. बोलो 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 क्या बोला? कब डरेगा? अगर भाला फंक्शन की और तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में. दोबारा सुनना, अगर भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज में. कहां पे छुपेगा? अपनी वैल्यूज में. ना ना पूरा बोलना है, अब आप पूरा बोलो. अगर भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में. राइट है भाई. अभी भाला किस ओर है? फंक्शन. तो फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या आ रही है इससे? माइनस थ्री और वन आ रही है क्या नहीं आ रही है? तो फंक्शन है एक्स, तो एक्स जाके छुप गया दोनों के बीच में. कहां से कहां के बीच में? माइनस थ्री और वन के बीच अपनी वैल्यूज में. कहानी पकड़ में आ गई? डायरेक्ट बोलने का तरीका है. कल को अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप सोचो इसके टुकड़े होते एक्स प्लस तीन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. दो ब्रैकेट. सुनते ही दिमाग में आया भाला, लेकिन भाला इस समय फंक्शन से, लेकिन भाला अगर फंक्शन से दूर है तो फंक्शन के हाथ में, जिसके हाथ में भाला वो तो हीरो है. माने शेर है इस समय तो. जिसके हाथ में भाला तो शेर है ना. यूं किया तो ही काम हो गया. सही है ना. तो कहने का मतलब अगर देखा जाए भाला फंक्शन से दूर तो फंक्शन शेर, शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा. कब? भाला फंक्शन से दूर. दोबारा बोलना, भाला फंक्शन से दूर तो फंक्शन शेर, शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा. अब बताओ जरा इससे वैल्यू बोलो, इससे वैल्यू बोलो. बड़ा कौन? वन या माइनस तीन? वन. तो एक्स बड़े से बड़ा, एक से बड़ा, बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा, छोटा है माइनस तीन तो माइनस तीन से छोटा.
जो चिल बकवास मैंने शुरू में बोला था, तो प्लीज दिल नहीं लगाना, ठीक है, प्लीज दिमाग नहीं लगाना। आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आपका डायरेक्ट आता है वेल एंड गुड, और नहीं तो हर बच्चे का आना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं बस। आफ्टर क्लास क्विक रेस्पॉन्स होना चाहिए। अब जरा मेरे को जल्दी से समझाओ, मान लो कल को होता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, अगले ब्रैकेट में क्या तोड़ू, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, हाँ या ना, लेस देन इक्वल टू 0, कितने ब्रैकेट, भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा छुपेगा अपने मानों में, मान क्या क्या आ रहे हैं बोलो, एक्स छुप गया कहां से कहां के बीच, आया इधर लिख दूं, ठीक है, सही है क्या, सोच के बोलना, अरे क्या कर रहे हो कौन, अच्छा उधर में क्या कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा माइनस 3 से बड़ा और 1 से छोटा, सही है, चुप गया अपने मानों में, है ना भाई, हाँ। अब जरा जल्दी से ये बताना, रेडी, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो बड़ा, हाँ वो इस केस में, अगर भाई जो बाला फंक्शन से दूर तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा, और बाला अगर फंक्शन की ओर तो फंक्शन छुपेगा अपने मानों में, रेडी, अपनी वैल्यूज में। अब आपका टाइम है, मुझे आप अपनी तरह से आंसर दे रहे हैं, हटाओ मिटा दो, मेरे को कॉपी कुछ नहीं कराना, सिर्फ दिमाग और मैं, आप मैं और आपके साथ में आपके स्किल्स, मैं अगर वो डेवलप कर गया तो पूरा साल आप निकाल दोगे भले किसी टीचर के पास जाओ, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर भाई दो आप डर गए पहले चैप्टर से तो बहुत बड़ा वाला हाहाकार हो जाएगा लास्ट तक के लिए, ट्वेल्थ नहीं निपटानी मेरे को आपकी, रेडी, सोचो और जवाब देना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0, ब्रेक करो, बोलो x माइनस 5 एक्स माइनस 2, अब बोलना नहीं आंसर सोचना, कौन सा केस, फंक्शन की ओर या दूर, और वाला केस, श्योर है तो बोलो ना आंसर क्या लिखूं, लिख लो अपनी कॉपी में, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे आपका आंसर आ गया। मैं बस एक जगह दर्द तो हो जाऊं, है ना, भाला केस, भाला मजा आ गया, है ना, नहीं वो खतरनाक लोग नहीं आए, टाइम पास चैंपियन, हां जी साहब बोलो क्या लिखूं, एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच, कहां से कहां, 2 से 5 के बीच, श्योर है, अच्छा बताइए, ये तो एक क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन सोचना, रेडी, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ब्रेक करो, इस बार ब्रेक करने का भी फोर्स पड़ेगा आप पे, हाँ अगर उधर हो तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा, इधर है तो दोनों के बीच में, बन गया, कितने लोगों का, अरे बहुत आसान चीज थी, इसमें थोड़ी इतना टाइम लगता है, कितना लिखूं, x माइनस 3 एक्स प्लस 2, है ना, मैंने सिर्फ इसी का दबाव रखना था मेरे को, मुझे बताएं अब मेरी अगली समस्या क्या है, आपसे कईयों से वेक्टर नहीं होते, कईयों से सभी के दिल पे लें, है ना, हाँ भाई कितने ब्रैकेट, देखते ही दिमाग में, भाला भाला इस समय फंक्शन से दूर है तो शेर, शेर है तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा, गुड, हाँ भाई बड़ा कौन, एक्स ग्रेटर देन 3 यूनियन एक्स लेस देन माइनस 2, समझ में आया, क्या मैंने कोई नंबर लाइन लगाई, कोई इवन ऑड करा, कोई न्यूमरेटर कोई डिनोमिनेटर की चेकिंग करी, डायरेक्ट आंसर देखा जवाब, है कि नहीं, मैं अभी इसी लेवल पे खेलना पसंद कर रहा हूं, राइट है, देखा और आपके मन में आ जाना चाहिए खटखट खटखट खट, सर ने सिखाया था मॉड में हमेशा क्या चेक करो, टर्निंग पॉइंट, बोला था कि नहीं बोला था, क्या चेक करो, टर्निंग पॉइंट, अगर टर्निंग पॉइंट से बड़ा तो एज इट इज, टर्निंग पॉइंट से छोटा तो माइनस के साथ, अब धीरे 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 बैठ रहे बैठ रहे और आगे चल रहे, रेडी, अभी अगले, मैंने ये क्यों आ गया अचानक से, अच्छे कहते सर आप मॉड में चल रहे थे, ये क्या लफड़ा हो गया आपका सर, अरे लफड़ा तो मेरे आगे की चीजों के लिए था ना, क्यों, क्योंकि मुझे आपको आगे जो सिखाना था वो मेरे को यहीं के यहीं सिखाना है। मान लो सर क्वेश्चन होता बहुत छोटा सा, मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या जरूरत है मुझे इसकी, क्वेश्चन होता मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4, कितना होता लेस देन इक्वल टू 4, तो हाउ यू विल सॉल्व इट,
मैंने कहा इसको मैं आपको बोलता अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू चार, क्या कोई बुरी बात कही? अच्छा जल्दी सुनना, ये अंडर रूट है माने पॉजिटिव या नेगेटिव? चार कैसा? दोनों साइड पॉजिटिव। अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो स्क्वायरिंग संभव है, अदरवाइज नहीं करना। इनइक्वालिटी के अगर इधर वाला नेगेटिव और उधर वाला पॉजिटिव हो गया तो स्क्वायर में मौत आ जाएगी, देख लेना। कैसे? आप में से कई जने जानते हैं माइनस तीन है ना दो से छोटा है, सही या गलत? स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करते ही नौ हो गया और ये चार हो गया, क्या नौ चार से छोटा है? क्यों गलत हो गया पता है आपको? क्योंकि साइन नहीं देखा आपने। अगर इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव है कभी भी स्क्वायरिंग मत करो, बाई चांस हां भर सकते हो बाई चांस ना भर सकते हो, मौत कभी भी हो जाएगी। वो फिर केस बन जाएगा, केस बन जाएगा माने आप अपनी तरह से रूल्स क्या लगाओगे? रूल्स ये लगाओगे अगर इधर वाला नेगेटिव उधर वाला पॉजिटिव कभी डायरेक्ट स्क्वायरिंग मत करो, सोच के करो, कहानी पकड़ में। लेकिन क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं स्क्वायरिंग संभव है। लो स्क्वायरिंग करते हैं, आओ एक्स स्क्वायर लेस देन 16, बहुत खूबसूरत। अगला सोचो, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो कर सकता हूं? सोचो जल्दी, हाँ या ना। अगली लाइन सोचो, इसके टुकड़े एक्स माइनस चार एक्स प्लस चार, जल्दी सोचो कितने ब्रैकेट? दो ब्रैकेट सुनते ही भाला किस और? तो फंक्शन छुपेगा अपने वैल्यूज में, वैल्यूज क्या क्या? चार और माइनस चार। आई के नहीं आई कहानी समझ में? डायरेक्ट आंसर आ गया राइट। तो मॉड एक्स अगर लेस देन चार है तो आंसर हो गया एक्स इज इन बिटवीन फोर एंड माइनस फोर। क्या आपको क्लिक कर गया? अब मैं बताता हूं दर्द क्या है। दर्द ये है कि सर इतना मरा सा क्वेश्चन, पांच लाइन बाद जवाब आया, और कल को अगर अगर ये कल को सर चार पांच और जने होते तो हम तो मौत ही आ जाती हमारी, नहीं मैं तो करते करते मर जाता। और ऑब्वियसली मॉड के क्वेश्चंस में आधे से अधिक लोग स्किप मारते हैं। मैं आपको बताता हूं कोई मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं कराता, कोई अधिकतर लोग तो इनइक्वालिटी का बस पुनरावलोकन कर देते हैं, ठीक है ना, रिव्यू एक लाइन के अंदर, और यहां से बच्चा तय कर लेता है कि भाई डोमेन निपट गया, निपट गया। क्योंकि सोचो मैंने कितना चिड़चिड़ करके यहां तक पहुंचा है, दो लेक्चर से एक ही काम कर रहा हूं मैं, तब जाकर के आप में से कई लोगों ने तो हां भरनी चालू कर रही है, वरना तो ना भी नहीं भर रहे थे, देखते ही जा रहे थे भर कहा मुझे। सोचो है ना, तो बिना इसके जाता तो कितनी मौत होती अपनी। और ये अभी आप में से कई लोग करेंगे इसको क्लिक। अब देखो जरा आगे की बात सुनो, इसका छोटा तरीका क्या है? इसका छोटा तरीका है घोड़ा मेथड, घोड़ा है ना। अब ये घोड़ा मेथड क्या वो सुनाओ आप, मैं आपको वो भी सिखाता हूं। रेडी? तैयार है? हाँ बिल्कुल। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू चार है तो मॉड एक्स क्या है? घोड़ा है। क्या है मॉड एक्स? घोड़ा है ना। अगर यहां पे लिखा होता मॉड एक्स माइनस वन तो टर्निंग पॉइंट बोलो क्या होता? तो मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट बोलो जीरो। इसका मतलब घोड़ा अपने टर्निंग पॉइंट जीरो पे खड़ा है, ठीक है। घोड़ा बोर हो रहा है, ठीक है। बोर होते होते पता है घोड़ा एक ही काम करता है, घास खाऊं, घास खा लेता हूं, ठीक है। तो घास खाने के लिए उसने मालिक से पूछा, मालिक मालिक घास खा लूं क्या? तो मालिक ने कहा खा ले, लेकिन तेरे साथ एक टैग आया था। टैग? उसने कहा टैग कैसा टैग? ठीक है। तो उसने कहा तेरे टैग पे लिखा था मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू चार। घोड़े ने कहा मालिक इसका क्या मतलब होता है ना। तो मालिक ने कहा इसका मतलब होता है घोड़े को घास खिलानी है चार के अंदर की, लेस देन की, चार से लेस देन की घास खिलानी है, राइट है। तो घोड़ा समझदार है, समझ गया, ठीक है। तुरंत उसने बोला मालिक एक काम करो, एक रस्सी लेके आओ, कितने लंबाई की? चार लंबाई की रस्सी लेके आओ। मालिक ले आया चार लंबाई की रस्सी, घोड़ा खड़ा था जीरो पे, उसने चार लंबाई की रस्सी फेंकी, कहां पे गिरेगी? चार पे। गिर गई रस्सी, रस्सी गिरते ही उसने क्या किया है ना, चार के अंदर की लेस देन खाली, खाली घास। लेकिन आपको पता है घोड़ा है गधा नहीं, उसे पता है मालिक ने आज चार के अंदर की खाना, कब बोला पॉजिटिव की खाना, तो चार लंबाई की रस्सी तो इधर भी जा सकती थी, तो उसने चार लंबाई की इधर फेंकी, कहां तक पहुंची होगी? माइनस चार, तो इधर की घास भी उड़ा दी, तो कहां से कहां तक की घास उड़ी। इसलिए दुनिया ने कहा एक्स की वैल्यू चार और माइनस चार। कितने लोगों को समझ में आया कि लेस देन इसलिए अंदर की। कल को अगर क्वेश्चन होता मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पांच, तो जल्दी बताओ मॉड एक्स कौन है? घोड़ा।
घोड़ा कहां खड़ा होता? जीरो पे। कितनी लंबाई की रस्सी मंगाता? पांच लंबाई की। इधर कहां गिरती? पांच पे। और उधर कहां गिरती? क्योंकि घोड़ा है गधा नहीं। दोनों तरफ गिरता। अब बोलो जरा, ग्रेटर देन मैंने कहां की? बाहर की। तो पांच के बाहर कहां तक की? इन्फाइनाइट। और उधर कहां की? माइनस इन्फाइनाइट। तो आंसर क्या होता बोलो? माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस पांच। माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस पांच इक्वल है तो क्लोज। अभी से बात तय कर दूं, यूनियन इधर से पांच से इन्फाइनाइट। रेडी? अब तेज चल रही है गाड़ी, क्लोज शट। आंसर क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? है ना। थोड़ा सा मामला बढ़ा देता हूं, ठीक है? मामला कैसे बढ़ा देता हूं, ठीक है? देखो ये हमने जो मजाक में सीखा आज तक आप में से कई लोग नहीं भूले, मजाक में सीखा, ठीक है ना। जहां हमने थोड़ी सी भी मुस्कान बिखेर दी ना, सही में टफ से टफ आइटम भी इजी हो जाता है। क्यों अपन है ना ऐसा मुंह लेके बैठे हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार मैं ही हूं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मेरी फोटो बनी है, ठीक है। अरे यार मॉड में कल को सर मॉड में एक्स माइनस वन होता तो घोड़ा कहां खड़ा होता? वन पे। कितने लंबाई की रस्सी मंगाता? चार लंबाई की रस्सी कहां तक गिरती? पांच। और एक से पीछे कहां तक गिरती? माइनस तीन तक। नहीं आया समझ में? चार आगे पांच, चार पीछे माइनस तीन। लेस देन माने अंदर की कि बाहर की? लेस देन माने किधर की? अंदर की। तो घोड़े ने घास उड़ा दी कहां से कहां तक की? तो एक्स बिलोंग्स टू डायरेक्ट माइनस तीन से पांच इक्वल के कारण क्लोज। हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। पूरे मेथड से करते तो ये पूरा हिसाब किताब लगता, और सारे लोग यही हिसाब किताब लगाते हैं, ठीक है। आएंगे ना अपन, बहुत ट्रिके करेंगे, बहुत बहुत ताबड़तोड़ ट्रिके हैं, लेकिन बेस में ट्रिक नहीं लगाता मैं। पहले सिखाता हूं पूरा, याद हो जाए पहले नियम तो याद हो जाए, तो फिर तो उसके बाद तो अपन खेल भी लेंगे आसान। ये कहानी पकड़ में आ गई, है ना? आसान आसान है ना। अच्छा इसके बाद की कहानी अभी दम है, थोड़ा बहुत है या खत्म हो गया? नहीं है तो बोल देना, बात खड़ा कर देना। नहीं है सर? अरे एनवी सर की क्लास है कि नहीं है पहले पक्का तो कर लो, है क्या? कितने बजे से? साढ़े सात में। अब कितना टाइम रह गया? एक मिनट दो मिनट, क्या करें? छोड़ देते हैं, मेरे को भी ये लग रहा है यार। होमवर्क दे दूं? एक मिनट, हाँ होमवर्क देने से पहले है ना, एक मिनट, क्योंकि टेक्निकली अपन लोगों ने इस पे बात ही नहीं करी। मेरे को आप आने ही नहीं दिए आज, पता है मेरे जो मैं दो दिन से तो डिसाइड करके चल रहा हूं, मैं उस पर नहीं आ पा रहा, पता है आपको? दो दिन से मैंने डिसाइड करा मेरे को यहां पहुंचना है, और मैं दो दिन से वहां पे नहीं आ पा रहा। इसका मतलब तभी तो मैंने आपसे कहा कि मेरे को संडे की क्लास का ऑफर है, ठीक है ले लो आप। बताऊं क्या, अब आप क्या क्वेश्चन करके लाने वाले हो? क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। पहला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। कितने लोग बताते हैं कौन है ये? ये कौन है बोलो? क्वाड्रेटिक है भाई। क्वाड्रेटिक में दो बातें होंगी, या तो टूटेगी या नहीं टूटेगी। अगर टूटेगी तो ठीक है, नहीं टूटेगी तो श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य के बाद भी दो बातें होंगी, या तो डी पॉजिटिव निकलेगा या नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो फिर दो बातें होंगी, ए ग्रेटर देन जीरो मंचा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं आया समझ में? अगर मिल गया तो आर, नहीं मिला तो फाइव। आया मेरे को? दो वापस क्या बोला मैंने? क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में या तो टूटेगी नहीं तो नहीं टूटेगी, अगर टूट गई तो ठीक, नहीं टूटी तो श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य के बाद भी दो बातें होंगी, या तो डी पॉजिटिव या डी नेगेटिव। डी नेगेटिव तो दो बातें होंगी, या तो मंचा ए मिलेगा या मंचा ए नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो और नहीं तो सही है ना? अच्छा एक मिनट, कल आज सुबह का पहला क्वेश्चन क्या था? कहां चालू किया किया था? क्या था? अच्छा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन यही था ना क्वेश्चन? सोचो यही था ना, ये नहीं टूटा था। श्रीधराचार्य के पास गया था मैं, याद दिलाता हूं। श्रीधराचार्य के पास जाने के बाद में अपना आंसर बना था एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट पांच बटा दो। सही ना भाई? देखो सुबह का माहौल क्या था, अभी देखो। अगर बाय द वे मैंने ये चीजें पहले सिखा दी होती तो माहौल क्या होता? मैंने आपको सीरियस होकर सिखाया, अब मैं आपको मजाक में सिखाता हूं ये बात। इसके टुकड़े बनते एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट पांच बटा दो, राइट है भाई? माइनस वन प्लस रूट पांच बटा दो, और प्लस है क्या भाई? अच्छा प्लस का एक ना, है ना भाई? और दूसरे ब्रैकेट में बनता एक्स माइनस
वन माइनस अंडरूट पांच बेटा दो, एक माइनस अंडरूट पांच बेटा दो, क्या ख्याल है आपका? Yes, और ये लेस देन जीरो है ना भाई? कितने लोगों को लगता है कितने ब्रैकेट भाला फंक्शन की ओर? तो फंक्शन कहां मिलेगा? इन दोनों के बीच में। देख लो आपका आंसर वही है। कहां आप पूरा क्वेश्चन करते हो? दो ब्रैकेट देखते भाला, भाला फंक्शन की ओर, तो फंक्शन हमें वैल्यूज में छुपा हुआ मिलेगा, बस इन दोनों के बीच में मिलेगा। देख लो आपका आंसर कोई था नहीं आया। अपनी बात यहां तक। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आप में से कई लोग ईगर हो गया, ठीक है, कब जाऊंगा? हाँ भाई, हाँ क्वेश्चन है पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 2x माइनस 3 अपॉन में कितना, 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन है x प्लस अंडरूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडरूट एक्स माइनस 3। बेटा भाई अगला क्वेश्चन हटा दूं? सही भाई, अगला क्वेश्चन है x 2 टू द बार x माइनस 1, 3 टू द बार x माइनस 9 और x माइनस 3 इज लेस देन 0। अपनी पहुंच से बहुत आगे भी जाकर के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो अपन ने नहीं किया आज तक उससे आगे भी मैंने क्वेश्चन दिए, ताकि आप में से अगर किसी में कैपेबिलिटी है तो ही मस्ट डू एटलीस्ट, है ना भाई। और एक छोटा सा लास्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी करके ले आना अंडरूट में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है भाई। अच्छा जाते जाते, क्योंकि आप में से कितने लोग लॉग की क्लास अटेंड कर रहे थे? कौन नहीं कर रहा था, मतलब कल वाले में कोई नहीं कर रहा था लॉग की क्लास? हाँ, क्योंकि है ना, मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन देनी फंक्शन की आप फिर पता कर लेना, क्योंकि जो भी डिसाइड करेंगे अपन टाइम है ना वो टाइम। हाँ भाई, हाँ ये वन तक रूट है बिल्कुल एकदम यहां तक, है ना भाई। हाँ भाई जा रहे हो, चले है ना, ऐसे बात करते करते। हाँ पैक, अरे लेस देन जीरो नेगेटिव, क्या मांग रहा है? नेगेटिव। अरे आप करते हो, आप पहले पैकिंग करते करते, ये क्या मांग रहे हैं? नेगेटिव। ये कौन है? ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव की किससे गुणा करूं कि नेगेटिव आए? नेगेटिव से, पॉजिटिव की नेगेटिव से गुणा होगी तब लेस देन जीरो आएगा। इसका मतलब ये फंस गया बेचारा, बाहर होकर के भी फंस गया, बोल नेगेटिव होगा ये तो फंस जाएगा। ये कौन है? नेगेटिव। ये कौन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की किससे गुणा करूं कि नेगेटिव आए? तो माने ये फंस गया, इसको बोलना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव। नहीं होते हुए भी कहानी पकड़ में आ गई आपको? आपकी शुरुआत ये होगी। और अंडरूट वाला क्या चाहेगा? अंदर वाला, अंडरूट के अंदर वाला पॉजिटिव। दो केस लेके खेलना पड़ेगा।